हरे कृष्णा राधे राधे जी सबको। विजय एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है, विजय एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा। यह हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। फागुन महीने में विजय एकादशी व्रत 6-7 मार्च 2024 दोनों दिन किया जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले पहले दिन व्रत रखें। एकादशी व्रत सौभाग्य समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने विजय एकादशी का व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें विजय प्राप्ति का वरदान मिला और रावण हार गया। विजय एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने से समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आगे श्रवण करते हैं विजय एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तब श्री राम जी ने हनुमान सुग्रीव की मदद से लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। राम जी ने सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र के घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि ये सागर तो अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरा हुआ है, इसे कैसे पार करें। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि वक्दालभ्य मुनि के पास इस समस्या का हल जरूर होगा, वह ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं, वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें अपना सारा वृतांत सुनाया। भगवान राम की इस परेशानी से पार पाने के लिए मुनि श्री ने उन्हें फागुन माह की एकादशी रखने के लिए कहा। तब ऋषि वक्दालभ्य ने कहा कि इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और जौ रखें। उस पर विष्णु को स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत होकर धूप दीप नवेद नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो साधक इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।